वेक्टर स्पेस रे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करबा दैट इज योर बेसिस एंड डायमेंशन तो देखो स्टूडेंट बेसिस और डायमेंशन तो बेस मु दीटा पार्ट को इंडिविजुअल वीडियो बनाई देबी तो ई पार्ट रे तमा हमें बेसिस विषय रे डिस्कशन करियो नेक्स्ट पार्ट रे हम तमरो डायमेंशन विषय रे डिस्कशन करियो बुझ पाले स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट बेसिस और हां बेसिस विषय रे बुझा आलु तो फर्स्ट हम तमे तमको लिनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस विषय जानिया पड़िबो आउ स्पैन विषय जानिया पड़िबो तो तार वीडियो ऑलरेडी अपलोड हिसा छि तमे फर्स्ट तमे लिनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस विषय जानि सर आउ स्पैन विषय जानि सर काई दि जनर कॉम्बिनेशन होछि हमरो बेसिस सर स्टूडेंट तो ये डेफिनेशन को आसो स्टूडेंट लेट बी तो बेसिस को हम बी रे डिनोट करू लेट बी बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V देन बी सेट टू बी बेसिस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ V इज अ लिनियर इंडिपेंडेंट एंड बी जनरेट्स बी और स्पैन ऑफ बी बुझ पाल स्टूडेंट जदि गोटे सेट एई दिटा कंडीशन को सैटिस्फाई कला से लिनियरली इंडिपेंडेंट हेतबो आउ से स्पैन ऑफ बी हेतबो और बी जनरेट बी बी को जनरेट करतबो ताले हम त कोन कहि परिया बेसिस ऑफ ए सॉरी बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बुझ पाल स्टूडेंट तो किछ किछ एग्जांपल देखो स्टूडेंट एने आर ओ सेट आर इक्वल आर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बिलोंग्स टू आर टेक्स इनटू 1 टेक्स फ्रॉम एक्स इनटू 1 टेक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तो 1 व्हिच कौन स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट पर यूनिट यूनिट नंबर है तो आर इज इक्वल स्पैन ऑफ 1 है ना तो 1 इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट नेक्स्ट सो बी इज ए बेसिस ऑफ आर बी इज ए बेसिस ऑफ आर तो देखो स्टूडेंट यदि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स अछि किबा ए फॉर्म रे अछि देखो स्टूडेंट आर स्क्वायर ऑफ बी तो ये वाला सब कौन फिक्स बेसिस तो बेसिस फॉर्म रे अछि यदि आर स्क्वायर अछि तो 1001 होबो यदि आर क्यूब अछि 1000010001 अछि ना तो एटा सब फिक्स मन रे स्टूडेंट एटा यूज हेबो कला आर स्क्वायर बेसिस ऑफ आर स्क्वायर तो स्टूडेंट 1001 आ बेसिस ऑफ बी सॉरी आर स्क्वायर ऑफ सॉरी आर क्यूब ऑफ बी तो 100 जदा आर स्क्वायर अछि तो दुटा मेट दुटा कोन रुस तमरो वेक्टर स्पेस आ इदा आर क्यूब अछि तीनटा वेक्टर स्पेस बुझ पर स्टूडेंट नेक्स्ट आंसर एबे एन नंबर ऑफ वेक्टर स्पेस म जदि कहि बेटा सिना आर स्क्वायर पाई इंती रहला आर क्यूब पाई ए फॉर्म रहला तो e1 जदि छियो त हमें एग्जांपल लवा e1 जदि अछि 1000 तो e2 जदि अछि तो 1 का सेकंड पोजीशन रे e3 जदि अछि 1 का थर्ड पोजीशन रे समथि डॉट डॉट n पोजीशन के लिए 1 का तमरो n पोजीशन रहबो तो e1 e2 e3 डॉट डॉट en इज द बेसिस ऑफ fn व्हिच वन फ्रेंड नेक्स्ट वेक्टर स्पेस ऑफ 0 तो स्पैन ऑफ phi इज इक्वल टू 0 तो phi इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सो phi इज बेसिस ऑफ v हैला फ्रेंड नेक्स्ट v भी एबे फॉर्म रे पॉलीनोमियल फंक्शन अछि कोन अछि पॉलीनोमियल फंक्शन एबे तार बेसिस कनि फाइंड करबो pn of f is equal to more polynomial function ko a0 into x to the power 0 x to the 0 is 1 a1 into x to the power 1 a2 into x to the power x square dot 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 an x to the power n so span of s keta hobo student to 1 x x square x cube x4 dot 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 xn to you chaman linearly independent to ame already linearly independent chapter discussion karichu to 1 into x into x square dot 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 xn is a basis for pn of kana polynomial function sign नेक्स्ट आसा मैट्रिक्स फॉर्म रे तो जदी मैट्रिक्स फॉर्म अछि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पाई तो बेसिस कोन स्टूडेंट 1001 देखो 1 रो पोजीशन चेंज हो जाउ छी फर्स्ट पोजीशन तब सेकंड पोजीशन तब थर्ड पोजीशन तब फोर्थ पोजीशन बुझ पाले स्टूडेंट नेक्स्ट p ऑफ x ओवर अ वेक्टर फील्ड f तो 1 x x x स्क्वायर डॉट 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 x सॉरी टू x बेसिस ऑफ p f मोनो स्टूडेंट बेसिस मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट तो बेसिस मे बी केतरो फाइनाइट हे परे और इनफाइनाइट हे परे हला जदे ए केस रे सब बेसिस होजे फाइनाइट और ए सब केस रे बेसिस होजे कोन इनफाइनाइट कहीं एंड वैल्यू हम जाने नहीं दैट इज योर इनफाइनाइट व्हिच वन फ्रेंड तो वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर दे हम यार किसी क्वेश्चन करे को टाइप रे क्वेश्चन एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपॉर्टेंट हला फ्रेंड देखि दे स्टूडेंट तो को टाइप क्वेश्चन आसो कोन कहि सो दैट द सेट b 1 1 1 -1 इज ए बेसिस फॉर r स्क्वायर कला कर तो चलो स्टार्ट करियो तो हम दुटा पॉइंट स्टेप रे प्रूफ करय छि फर्स्ट स्टेप रे तमन को प्रूफ करे लिनियरली इंडिपेंडेंट और सेकंड स्टेप रे हम को प्रूफ करियो स्पैन अछि कि नै कला जनरेट ए स्पैन स्पैन को जनरेट करू छि कि नै कला चलो स्टूडेंट फर्स्ट लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करे तो लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करे हम को करे लिनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखला अल्फा अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर अल्फा इनटू यू1 सी फ्रॉम दिस केस यू1 बीटा यू2 अल्फा इन 1 बीटा यू2 इज इक्वल टू 0 बेटा लिख ले कौन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 बीटा कॉमन करले अल्फा बीटा को मान ले 0 0 मिल जाए तो कौन मिलेगा इट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट नेक्स्ट आसा स्पैन टू जीवा है ना स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर ए बी अल्फा इनटू 1 1 बीटा इनटू माइनस 1 1 तो जीरो कॉमन करले तो अल्फा केते मिला ए प्लस बी बाय 2 बीटा केते मिला बी माइनस ए बाय 2 वे देखो स्टूडेंट हमें ए बी नहीं चुके एबे ए बी को जो दिमाग को अल्फा इनटू यू वन बीटा इनटू कते तो बोलो यू टू तेरे से फॉर्म ले आपको सॉल्व करने के तो मिल चुके ए बी मिल गया उसी दैट मींस वो कोई करें हेंस बी इज ए बेसिस ओवर एस कुछ करो स्टूडेंट तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर दियो
So that's the question. Now the question will be shown. So that the set S. So the question RQ. So 100010013. We already starting introduction. We have studied. Look, no basis. How many? How many? So second one proof. Go. So the question. So chala sahi dikha step to proof kare let us consider the first time linearly independent proof karega so let us consider s be a linear combination of alpha beta gamma belongs to r so alpha into u1 beta into u2 gamma into u3 is equal to 0 so combine kare alpha is equal to 0 beta is equal to 0 gamma is equal to 0 so alpha beta gamma all are 0 so it is linearly independent so next check karega span kala so let us dekhile jana padu student that is already span re achi hele gam check karega let it is clear that the span of s is belong subset of rq Let u is equal to a1, a2, a3 belongs to RQ. So u is equal to a1, a1, u1, a, a2, u2, a3, u3. Like u is a belongs to span of S. So R3 is a belongs to what? Subset of span of S. Hence it is clear that the span of S is equal to RQ. So S is a basis over S, or we can say B is the basis over S. Which one, student? So video pause karke note down kar diyo. देखो स्टूडेंट लास्ट पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन ला तो दीदा क्वेश्चन अच्छी तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन है तो मैं निजे ट्राई करूंगा हैला डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस हैला ऑफ R3 हैला तो देखो स्टूडेंट तो S1 कौन दीछि तो फर्स्ट को फर्स्ट क्वेश्चन कर छि तो लेट अल्फा बीटा गामा बी द ओनली अननोन ऑफ द सॉल्यूशंस सच दैट तो अल्फा u1 बीटा u2 गामा u3 = 0 तो अल्फा u1 दिस इज u1 दिस इज u2 दिस इज u3 व्हिच वन स्टूडेंट अल्फा u1 बीटा u2 गामा u3 = 0 0 0 हैला तको लिस्ट तक कॉम्बिनेशन फॉर्म लिख देली मैं तको सिस्टम फॉर्म में लिखाई छी एबे तको कोन करिया मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देली तने क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करला परे हम कोन चेक करिया छी लिनियरली इंडिपेंडेंट अछि नै हैला तो लिनियरली इंडिपेंडेंट पे फर्स्ट हम कोले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखला परे तको डायगोनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर छी स्टूडेंट तो एटा 1 एटा 0 तो एटा को कोन करिया 1 करबे ऊपर तरफ 0 करबे एटा को 1 कर देली ए ऊपर तरफ 0 करिया पई तो देख स्टूडेंट तो एटा को 1 कर देली एटा को भी 0 कर दे छी ना एकदम स्टूडेंट लास्ट लाइन ता सब 0 होला खाली गोटा एलिमेंट बचे छी तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगा तो ए कॉलम टा हो अल्फा एटा बीटा एटा गामा तो 0 0 तो एटा कितनी 27 / 5 गामा इज इक्वल टू 0 तो गामा इज इक्वल टू 0 सही हिसाब से टी ऊपर को चलो बीटा माइनस 4 / 5 गामा इज इक्वल टू 0 तो देखो फ्रेंड गामा रे वैल्यू 0 मिल छ तो गामा 0 तो बीटा भी कते मिल जाला हमको 0 मिल जाला नेक्स्ट चलो ऊपर को चलो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0 तो बीटा 0 मिल छ तो अल्फा प्लस 2 * 0 इज इक्वल टू 0 तो अल्फा इज इक्वल टू 0 तो अल्फा बीटा गामा ऑल आर 0 हेंस वी कैन से इट इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट व्हिच वन स्टूडेंट तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ कर देली लिनियरली इंडिपेंडेंट फिर नेक्स्ट प्रूफ को हम करिया स्पैन जनरेट कर छ कि नहीं हैला वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर दियो तो देखो स्टूडेंट तो हम लिनियरली इंडिपेंडेंस प्रूफ कर सकछु अब स्पैन चेक करिया हैला Now for each A, B, C belongs to R cube. So x into u1, y into u2, z into u3 is equal to A, B, C. Right? So system formula, we take a system formula like this. We take a matrix formula like this. Which one, friend? The matrix formula like this. We take a diagonal formula represent. So the matrix formula like this. 1, 2, 1, 2, 0, 0, 5, minus 4, 0, 5, minus 4, minus 1, 1, 3, minus 1, 1, 3. How could I A, B, C? Right, friend? Chalo. Beta 1. तो मुझे डायगोनल फार्मूला लिख रहे छी इट इज एडी ऑलरेडी 0 छ तो इट इज 0 कर दे तो 0 कर पे दिस प्लस r3 प्लस r1 तो 0 कर दे तो एडी आ गेला चलो एबे कोन करया छी रंगू तो एटा 1 आसी होला अब एटा को 0 करया छी एटा को 0 करया छी तो जस्ट एटा खाली 0 कर ले कि चल जइबो भेलन तो एटा 0 करया पे प्रॉपर्टी यूज कर छी तो प्रॉपर्टी यूज करले तो सिमिलरली तो राइट साइड चेंज होबो तो राइट साइड भी चेंज हो छी तो केते छ x y z हैला तो x y 0 छी तो z 27 by 5z is equal to कितना रहेगा ये corresponding तो check कर ली so which one is 27 by 5z is equal to 5 plus 5c minus 3 by 5 है ना तो 5 पे कट गया तो z को लिख ली तो z तो फिर y find कर ली z रो भी लो इधर भर गया तो ये ऊपर का है y minus 4 by 5 is equal to b by 5 y minus 4 by 5 z is equal to b by 5 ऐसे हमने की solve कर ली तो ये क्या चला तो 5y minus 4b 5y minus 4z is equal to b तो 5y is equal to minus 4z से पुट कर दिया plus 4z निकला वे एडी z रो वैल्यू पुट कर दे तो z रो वैल्यू पुट कर ले y वैल्यू इतनी आ गई नेक्स्ट आप हम चलो x plus 2y is equal to a x plus 2y is equal to a तो x is equal to 2y से पुट कर ले minus 2y तो x is equal to a minus 2 into बेटा y रो वैल्यू पुट कर तो तक सॉल्व करी x मिल गया हमें चला हेंस वे देखो स्टूडेंट x into which one स्टूडेंट x into हमें जो पुट कर x into this कते 101 10 minus 1 y y into कते रहेगा 25 minus 1 how z z का वैल्यू आती है into तार वैल्यू 0 minus 4 3 तो यहाँ को सॉल्व कर ले जब हमारे abc मिली हो चुकी तो तुम सॉल्व कर देखो abc आराम से ऐसे जुगो
So, so putting this R cube in is a linear equation, linear combination 1, 0, minus 1, 2, 5, 1, and 0, minus 4, 3. So, span is equal to 1, 0, minus 1, 2, 5, 1, 0, minus 4, 3. Which color? So, you will span be generate color. Which solution have to solve the ABC in VACG? Voilà. So, span be generate color. That means we can say that this vector is linear. This vector is form a basic. Which color student? So, this type of thing, aram se basic form kar bhe. So, basic we will find kar jay. First, we check kar bhe linear independent achi nahi. Tapre generate kar bhe span. Which color student? I hope tamai student basic ra chapter ta ko aram se puch par thi ho. So, thank you for watching student.